कैसे हैं आप लोग यार। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। पढ़ते हैं आज की शॉर्ट वीडियो की जानिब। आज हमारे न्यू पिजन आए हुए को पूरा एक दिन हो चुका है। आज हम कल पानी डाल दिया था, ठीक है। आज फिर मैं दाना और पानी दोनों डालने आया हूँ, ठीक है। अभी क्या करते हैं, सबसे पहले उनका बर्तन निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद ना पानी भरते हैं, पहले पानी भरते हैं उसके बाद दूसरे बर्तन में उनके पानी। तो जी पानी देखिए भर लिया, ठीक है। अब क्या करते हैं, डोर खोलते हैं और उसके बाद अंदर पिजन को पानी डालते हैं, ठीक है। अभी डोर आ गया, डोर खोलें, उसके बाद जी ले जी पानी डाल दिया। ये तो यार पानी से भर दिया, ठीक है। यार ये क्या हुआ यार, एक हमारा पिजन मरा पड़ा हुआ। ये क्या हुआ यार ऐसे। बाकी सभी तो ठीक है, ये देखे ना, बाकी सभी फिट है, ठीक है। इसको क्या हो गया यार अभी समझ नहीं आ रही क्या हुआ है। बिल्कुल ठीक थे सारे कबूतर, बिल्कुल ठीक थे। अभी मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा ऐसे हुआ क्या है, अगर कुछ बीमार हो या मेडिसिन दे देनी थी मैंने। तो यार अभी क्या करते हैं, इसको निकालते हैं और इसको ना नीचे लेके जाते हैं, उधर मट्टी में दबा देते हैं, ठीक है नीचे। सो यार अब मैं ना अपना कबूतर लेके नीचे आ गया था, ठीक है। आते ही मैंने ना स्केन पकड़ी तो मिट्टी खोदना ना मैंने शुरू कर दी। थोड़ी थोड़ी मिट्टी खोदता रहा, तो मेरा प्लान ये था कि ना मैं 6 या 7 इंच तक मिट्टी खोदूँ, ठीक है, इतनी काफ़ी होती है। मैंने 6-7 इंच तक मिट्टी खोदी अच्छे से, उसके बाद उसको साफ़ किया। साफ़ करने के बाद ना मैंने छोटे भाई को बोला कि ना अब बना इसमें कबूतर रख दो, ठीक है। उसने ना कबूतर रख दिया। उसके बाद ना मैंने दोबारा फिर उसके ऊपर कबूतर के ऊपर मिट्टी डालना शुरू कर दिया, ठीक है। थोड़ी थोड़ी मिट्टी डाली, जैसे मुझे फील हुआ ना कि इसके ऊपर काफ़ी मिट्टी हो गई है, तो मैंने ना जगह को बराबर करना शुरू कर दिया जो फालतू मिट्टी थी। सो यार आज की जो वीडियो थी ना वो थोड़ी सैड होगी, उसके लिए सॉरी। तो इंशाल्लाह ना नेक्स्ट आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट ऑन द वे है। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ब्लॉक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।